बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 24 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 11 अक्टूबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे, प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की हम डिग्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रनाउन के बारे में हमें बताता है। एडजेक्टिव हैव थ्री डिग्री टू एक्सप्रेस देट इंटेंसिटी। एडजेक्टिव के पास तीन टाइप की डिग्री होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना नाउन और प्रनाउन के बारे में बता पा रहा है। ठीक है, तो वो है इसकी एडजेक्टिव की डिग्री। तो तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? इट जस्ट टेल्स अस द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। इट शो नो कंपेरिजन। तो ये क्या बताता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में ये बताता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, इसके अंदर कोई भी कंपेरिजन नहीं होता है। जैसे कि सरला इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सरला क्या एक बहुत ही सुंदर लड़की है। आई हैव ए स्मॉल कैट। मेरे पास एक छोटी बिल्ली है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर वन नाउन और प्रनाउन टू अनदर नाउन और प्रनाउन। तो कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम एक नाउन और प्रनाउन का दूसरे नाउन और प्रनाउन से कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन कंपेरेटिव डिग्री ओनली टू थिंग्स आर कंपेयर। कंपेरेटिव डिग्री के अंदर दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। वी यूज वर्ड लाइक देन टू आफ्टर कंपेरेटिव एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव में क्या बाद में देन और टू का इस्तेमाल होता है, तभी हम इसको कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, जिस भी कोई भी कंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसमें देन या फिर टू जरूर पाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई से बड़ा है, तो देन आ गया इसमें। नेक्स्ट है सुमन इज जूनियर टू मीनू। तो सुमन क्या है? मीनू से छोटा है। तो ये पे देखो टू आ गया, तो ये भी क्या हमारा कंपेरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। इट एक्सप्रेस हाइएस्ट इंटेंसिटी ऑफ ए थिंग इन कंपेरिजन टू अदर इन ए ग्रुप। तो ये क्या दिखाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हाईएस्ट इंटेंसिटी दिखाता है, मतलब ये बहुत ग्रुप में जो लोग होते हैं उसमें सबसे जो बेस्ट होता है उसके बारे में हमें बताता है। जैसे कि माई हाउस इज द बिगेस्ट इन अवर लोकेलिटी। मतलब पूरी लोकेलिटी में सबसे बड़ा घर किसका है? मेरा है। भानु इज द बेस्ट सिंगर इन अवर स्कूल। भानु जो है मेरे स्कूल में सबसे बेस्ट सिंगर है। तो पूरे स्कूल की बात करें तो पूरा अगर लार्ज स्केल पर अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री बच्चों। जैसे कि हमारे पास कुछ डिग्री दी गई हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ये क्या है? इसकी पॉजिटिव इज कंपेरेटिव और ये है इसकी सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मर, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, बिग, बिगर। इसमें ध्यान रखना कि डबल बी डबल जी हो गया, बिगेस्ट, टोल, टोलर, टोलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। इसमें क्या हमने वाई को हटा के आई ई आर कर दिया बच्चों। ठीक है, आई ई एस कर दिया। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आपको दिख जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, आई हैव डैश पेंसिल इन माई पर्स। कि मेरे बैग में क्या एक स्मॉल पेंसिल, क्योंकि हमारा किसी के साथ इसमें कंपेरिजन नहीं है तो इसमें हम करेंगे स्मॉल। नेक्स्ट है माई बैग इज़ डैश देन योर। मेरा बैग जो तुम्हारे बैग से क्या हैवी है, तो इसमें एक के साथ कंपैरिजन है तो इसको हम करेंगे एच ई ए वी आई ई आर, हैवियर कर देंगे इसको हम। नेक्स्ट है सचिन इज़ द डैश प्लेयर इन अवर टीम। मतलब पूरी टीम में से सचिन क्या है? बेस्ट प्लेयर है। तो इसमें हम करेंगे बेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन है तो इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो गुड का क्या होता है? बेस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, माई ग्रैंड फादर ही इज़ द डैश मेम्बर इन अवर फैमिली। हमारे जो पूरी फैमिली उसमें से ग्रैंड फादर क्या हमारी पूरी फैमिली में सबसे टोलेस्ट है, टी ए डबल एल ई एस टी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है रशिया इज डैश देन फ्रांस। तो इस देन आ गया तो क्या है? कंपेरेटिव डिग्री, तो लार्जर हो जाएगा ये एल ए आर जी ई आर बच्चों। नेक्स्ट है द गर्ल इज़ वेरी डैश इंटेलिजेंट। तो द गर्ल क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एज इट इज़ लिख देंगे हम इसको आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी। मतलब किसी के साथ कंपेरिजन नहीं, सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रही लड़की की, तो ये क्या है? इंटेलिजेंट आएगा। ठीक है, तो 6 के 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं बच्चों। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट कंप्लीट करें, टीचर से चेक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।